बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन पाकिस्तान का यह फैसला गलत साबित हुआ। पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम को महज 238 रनों का ही लक्ष्य दे पाई। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान टीम के लक्ष्य का पीछा करने उतरे रोहित शर्मा और शिखर धवन ने पाकिस्तान टीम को अपनी बल्लेबाजी से हैरान कर दिया। पाकिस्तान के सभी गेंदबाज इनके सामने फीके नजर आए और शिखर और रोहित की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के आगे सब ढेर हो गए। वहीं आपको बता दें, रोहित शर्मा शुरुआत में धीमी पारी खेलते नजर आए, लेकिन बाद में रोहित शर्मा ने भी पाकिस्तान के गेंदबाजों पर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार शतक जड़ दिया। तो ऐसे में कहा जा सकता है पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम के सामने लड़खड़ाती और गिड़गिड़ाती नजर आई। रोहित शर्मा के आगे ढेर हुआ पाकिस्तान। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।